हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और नए सवाल में। आज का सवाल, आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीन को पॉज करके आप सवाल को उतार लें। ये सवाल संख्या 10 है। आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है भाई, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है हमारे पास आयरन का, तो कुछ ऐसा बेसिकली रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनना चाहिए आयरन का, पहले बना लेते हैं। ऐसा ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है आयरन का, कहता है भाई इसकी डायमेंशन इतनी 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 है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 1.2 × 10⁻²⁪ मीटर, इसकी जो विड्थ है वो भी 1.2 × 10⁻²⁶ मीटर, और जो हाइट है इसकी वो 15 × 10⁻²⁶ मीटर है। सवाल क्या कहता है, ए पार्ट इसका कहता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक मेजर्ड बिटवीन द टू स्क्वायर एंड्स। तो जो दो स्क्वायर एंड्स बन रहे हैं उनको हमें देखना पड़ेगा पहले। ये एक स्क्वायर एंड है ऐसे, और दूसरा स्क्वायर एंड ये है। तो कह रहे हैं इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितनी होगी। भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। तो जब हम ऐसे रेजिस्टेंस नापेंगे तो तुम ध्यान लगा के देखो, ऐसे नापने के लिए लेंथ जो होगी वो होगी 1.2 × 10⁻², और डिवाइड बाय जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 15 × 10⁻², गुणा में 1.2 × 10⁻²। आप ध्यान लगा के देखो, रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपको दी हुई है, तो रो की ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दें, ये फर्स्ट पार्ट का रेजिस्टेंस निकल जाएगा बिटवीन टू स्क्वायर एंड्स, पहली चीज। दूसरी चीज वो ये कहता है कि भाई बिटवीन टू अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। अब रेक्टेंगुलर फेसेस ये हैं सामने, आमने सामने वाले ये रेक्टेंगल बने हुए हैं, तो कहता है इनके बीच में कितनी होगी। तो जब मतलब अब एक ये वाला फेस, एक इससे वाला फेस, तो लेंथ उस केस में ये हो जाएगी और एरिया वापस से ये इनटू में ये हो जाएगा, तो बी पार्ट का भी जो आंसर आएगा वो यही आएगा, 10⁻²⁰ × 15 × 10⁻²⁰ × 1.2 × 10⁻²⁰ − 2 ओम। इसको सॉल्व कर ले, कैलकुलेशन कर ले, आंसर निकाल ले। इसमें बस ध्यान ये रखने वाली बात है कि किस चीज को तो हमें लेंथ लेना है और किस चीज को हमको विड्थ लेना है बेसिकली। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कल फिर एक नए सवाल के साथ मिलेंगे। थैंक यू।